we have multiplied same way. जैसे हमने यहाँ नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, सेम वे में व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट बाय द मैग्नीट्यूड, तो आप दोनों साइड पे जो है इसको डिवाइड करोगे। अब ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई इन द नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि यहाँ ये आपका जो वेक्टर है दैट इज द यूनिट वेक्टर गिवन ओवर हियर। अब यहाँ पे जो है हमें उसने क्या पूछा था, फाइंड द डायरेक्शन टू साइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हमें पता है दिस इज ऑफ द फॉर्म आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, तो हमें उसने सिर्फ डायरेक्शन को साइंस पूछे हैं, तो डायरेक्शन को साइंस जो है दैट विल बी -6/7, 3/7 एंड 2/7, सो दीज विल बी द डायरेक्शन को साइंस। इन केस अगर उन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस भी आपसे पूछा होता तो यू नो दिस इज द डिस्टेंस। यहाँ पे हमने फॉर्म यूज की है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, वेक्टर साइन नहीं आएगा डी पे बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, तो यहाँ पे दिस इज योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ही सेइंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x-3y +4z-6=0। नाउ दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म जो है हमें गिवन है प्लेन की, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है LX+NY+NZ=D वाली फॉर्म में, बट वी हैव टू सी वेदर इट इज ऑफ द फॉर्म AX+BY+C z=D या LX+MY+NZ=D, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन को साइंस नहीं है तो पहले हमें इनके डायरेक्शन को साइंस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो हमेशा जो भी आप दोगे दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन ओनली। सो इक्वेशन हमें गिवन है 2x-3y+4z, दिस इज अगेन योर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 15। सो 2x-3y+4z -6=0। सबसे पहले अगेन जो आपका प्लेन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होगी दैट यू आर टू ब्रिंग टू द राइट हैंड साइड एंड इट शुड बी पॉजिटिव। सो इक्वेशन बन गई हमारी 2x-3y+4z=6, पॉजिटिव है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई विद -1। इसके बाद हमने क्या चेक करना है, ये जो हमें कॉफिशियंट्स गिवन है एक्स वाई जेड के, इन कॉफिशियंट्स को हमने चेक करना है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि इनके जो स्क्वायर्स का सम है वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इनके स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 1 आ रहा है देन दीज विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस, अदरवाइज वो क्या है डायरेक्शन रेशियोज हैं, हमें उसे डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप इसको देखो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज 4+9+16। सो ये आ गया आपके पास √29। √29 नॉट इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए, तो यहां से हम ले लेंगे एक लाइन ऐड करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन प्लेन 2-3 एंड -4। एक्चुअल में ये क्या होते हैं, जो जैसे हमें अगर ये प्लेन गिवन है तो प्लेन पे दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये वाला जो वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट विल बी द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, और जो हमें ये डायरेक्शन यहाँ पे रेशियोज गिवन होते हैं एक्चुअल में वो इस वाले नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इट मींस अब जो ये हमें गिवन है 2-3 एंड -4 दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज जो एक्चुअल में नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं बट हम प्लेन के लिए भी इन्हीं को यूज करते हैं। सो डायरेक्शन को साइंस जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, दिस यू कैन डू इन द रफ ऑल्सो। सो द डायरेक्शन को साइंस ऑफ गिवन प्लेन विल बी 2/√29 -3/√29 एंड -4/√29। अब क्योंकि हमें उसने डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन यानी कि डी हमें बताना है, तो हमें इस फॉर्म में लेना पड़ेगा दिस विल बी 2√29x
माइनस थ्री रूट 29 वाई माइनस फोर रूट 29 जेड इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड किया है तो इक्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए वी आर टू डिवाइड इट ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो. सो अब जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आ गई हमारे पास, 2 बाय रूट 29 एक्स माइनस 3 बाय रूट 29 वाई माइनस 4 बाय रूट 29 जेड इक्वल टू 6 बाय रूट 29. अगर डायरेक्शन को साइंस पूछे जाते हैं तो दीज आर द डायरेक्शन को साइंस, बट यहाँ पे उसने डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस इज 6√29. यूनिट्स आगे जरूर लिखोगे आप डिस्टेंस के आगे. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 16. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के जो है कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन. तो अगर हम प्लेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे भी, और दिस इज आर एक्सिस, तो ओरिजिन से जो प्लेन पे परपेंडिकुलर बनेगा तो वो बनेगा इसके किसी भी एक पॉइंट, प्लेन के किसी भी एक पॉइंट पे वो आपका ले लोगे, उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो जो भी वो परपेंडिकुलर वहां पे बनेगा आपका, तो आपको क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 0 0 हैं, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स वाई जेड. ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर के जो जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, प्लेन को मीट कर रहा है परपेंडिकुलर, दैट पॉइंट वी आर टू फाइंड आउट. तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है, फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दैट आर गिवन बाय एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी. एल एम एन जो है दैट आर द डायरेक्शन को साइंस, और डी जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन. तो अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0. सेम ये प्रीवियस वाली आपकी इक्वेशन है, तो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो डायरेक्शन को साइंस निकाले थे, दैट वर 2 बाय रूट 29 माइनस 3 बाय रूट 29 एंड 4 बाय रूट 29. दीज वर द डायरेक्शन को साइंस, एंड डिस्टेंस हमने निकाला था 6 बाय रूट 29. अब दीज आर एल एम एंड एन एंड दिस इज योर डी. तो फुट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैं बुक वाले मेथड से नहीं करवा रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज गिवन बाय एल डी एम डी एन डी. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, एल है हमारे पास 2 बाय रूट 29, डी है हमारे पास 6 बाय रूट 29, तो एल डी यानी कि 2 6 12 अपॉन 29. देन एम डी, एम इज माइनस 3 बाय रूट 29 एंड दैट इज 6 बाय रूट 29, तो दिस इज माइनस 18 बाय 29 एंड द नेक्स्ट वन इज 24 बाय 29. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. अब हमें क्या गिवन है, एक कोई भी प्लेन गिवन है, लेट अस सपोज कि ये बुक जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है. अब ये प्लेन जो है इसके ऊपर कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले रहे हो, प्लेन का जो है वो पॉइंट हो गया, तो प्लेन उस पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से वो प्लेन पास कर रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दैट गिवन वेक्टर. तो इक्वेशन हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट. मान लो अब मुझे ये वेक्टर गिवन है, अब इस वेक्टर से अगर मैं देखूं तो इनफाइनाइट प्लेन्स जो हैं वो पास करेंगे, लेकिन उसने साथ में क्या कंडीशन दे दी. अब क्योंकि इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी नहीं थी आपकी, तो उसने साथ में क्या कंडीशन दे दी आपको, दैट प्लेन जो है दैट इज पासिंग थ्रू अ
पॉइंट, प्लेन एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। तो जब आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा, ओनली वन प्लेन विल बी पासिंग थ्रू दैट। मान लो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, कहीं पे भी आप ले सकते हो जो आपको पॉइंट गिवन है अकॉर्डिंगली। तो अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ ले लिया कि दैट प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस स्पेसिफिक पॉइंट, तो इस पॉइंट से ये एक प्लेन ही पास करेगा एंड आई हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन। अब जब ये यहाँ से पास आउट पास कर रहा है, मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अगेन पॉइंट गिवन है मुझे, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सम वेक्टर ए। उसको पोजीशन वेक्टर्स को हमने उसके ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगेन नॉर्मल होगा वहां पे समहाउ, क्योंकि वो परपेंडिकुलर आपको गिवन है वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है इन वेक्टर फॉर्म, दैट विल बी गिवन बाय r माइनस ए। ए जो है दैट आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग इन टू डॉट प्रोडक्ट विद द नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन यू विल बी गिवन दैट इक्वेशन जो है प्लेन की निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो उस केस में मुझे एक पॉइंट गिवन होगा, प्लेन जो है किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो गिवन होगा, तो दैट वेक्टर जिसके वो परपेंडिकुलर होगा विल बी गिवन बाय दिस एन कैपिटल एन, और जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसके पोजिशन वेक्टर्स विल बी डिनोटेड बाय ए। तो इक्वेशन जो है प्लेन विल बी गिवन बाय आर माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो। अब सेम चीज जो है जब हम लेंगे कार्टीजियन फॉर्म में, तो इन द कार्टीजियन फॉर्म इट विल बी गिवन बाय, अब हम क्या करेंगे यहां ध्यान से देखना, हमारी जो वेक्टर इक्वेशन है दैट इज आर माइनस ए डॉट एन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब आर वेक्टर जो है मुझे पता है दैट इज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और ए वेक्टर एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद सम नॉर्मल वेक्टर। तो वो नॉर्मल वेक्टर जो है उसको हमने ले लिया, उसके डायरेक्शन को साइंस ए बी सी ले लिए हमने, तो दैट इज गिवन बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आई वाली टर्म्स इकट्ठी, जे कैप वाली इकट्ठी, के कैप वाली इकट्ठी, तो दिस विल बी एक्स माइनस एक्स वन इंटू आई कैप, पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप z माइनस जेड वन इंटू के कैप। अब इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट में i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो x माइनस एक्स वन आई कैप है, उधर a के साथ i कैप है, तो ये आ जाएगा आपका a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, दिस इज द कार्टीजियन इक्वेशन। तो आपको जब वेक्टर इक्वेशन से कन्वर्ट करना है कार्टीजियन इक्वेशन में ये स्टेप्स आप ऑमिट कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, एक्स में से जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, उनको आप माइनस कर दोगे एक्स वाई जेड में से, और जो नॉर्मल वेक्टर के आपके स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कंपोनेंट्स उनको मल्टीप्लाई कर दोगे आई वाले एक्स माइनस एक्स वन के साथ, जे वाला जो उसका स्केलर कंपोनेंट था वो वाई माइनस वाई वन के साथ, के वाला जो स्केलर कंपोनेंट था दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई जेड माइनस जेड वन। तो ये आ जाएगी आपकी कार्टीजियन इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ प्लेन है which is perpendicular to a given vector and passing through a given point. So this is the given point and this is the vector जिसके वो perpendicular है। यहाँ पे ABC जो है आपके, these are the direction ratios of the
vector to which the plane is perpendicular, and x1, y1, z1 are the components of the point through which the plane is passing. तो ये इक्वेशन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो. अब यहाँ पे मुझे यहाँ गिवन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट. अब पॉइंट गिवन है और वेक्टर गिवन है, तो अब मुझे वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी है और कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी है. सो फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4. ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे. एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस 2, 3 and -1. अब यहाँ पे देखो, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि दिस विल गिव मी द वेक्टर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड दिस विल गिव मी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ एन वेक्टर. सो ए आ गया मेरे पास 5i cap + 2j cap - 4k cap, एंड एन आ गया मेरे पास 2i cap + 3j cap - k cap. अब ए है, एन है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, सीधा आप इसमें पुट करो. फॉर्मूला अगर आपको लर्न है कि इफ द प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इट परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, तो इट इज गिवन बाय आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो. तो फॉर्मूला नहीं लर्न तो अगेन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट. आर जो है इसको वेक्टर फॉर्म में आर ही लेके चलना है, इसके साथ कभी भी 1, 2, 3 आपने नहीं लगाना है. माइनस ए है आपके पास 5i cap + 2j cap - 4k cap इन डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर एन 2i cap + 3j cap - k cap = 0. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब यहाँ पे क्या गिवन है, प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ए को वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर वेक्टर. तो दिस इज गिवन बाय आर माइनस 5i cap + 2j cap - 4k cap - 2i cap + 3j cap - k cap = 0. अब इसकी मुझे लिखनी है कार्टेशियन इक्वेशन. तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए x1, y1, z1 एंड ABC. ABC मुझे पता है, these are the direction cosines of the vector which to which the plane is perpendicular. And x1, y1, z1 जो है, these are the coordinates जिस उस point से pass कर रहा है plane. तो coordinates जिससे वो pass कर रहा है, that are 5, 2, -4. यानी कि x1, y1, z1 आ गया 5, 2, -4 और perpendicular to 2, 3 and -1. अब मेरे पास A है, X1 है, B है, Y1 है, C है, Z1 है. तो formula, required equation of plane is formula आपको पता होना चाहिए, A into X minus X1 plus B into Y minus Y1 plus C into Z minus Z1 equal to 0. Values put कर दो. A है आपके पास 2 into x minus x1 is 5 plus b y b 3 है, y minus y1 is 2 plus c is minus 1, so z minus z1 z1 is again minus 4 equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो या आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है. 2 into x minus 5, सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्योंकि हमें जो इक्वेशन देनी है वो lx + my + nz या ax + by + cz = d की फॉर्म में देनी है. तो 2x - 10 + 3y - 6 - z, ये माइनस इनटू माइनस प्लस 4 हो गया, फिर से माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 4 हो गया. सो दिस इज 2x + 3y - z. अब बाकी वाले सिंप्लीफाई कर लो, -10 - 6 - 4 That is -20 = 0. -20 आप उधर ले जाओगे ऑन द राइट हैंड साइड,
तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 20. बेटा वंस द मीटिंग विल बी ओवर यू आर टू रीजॉइन इट, बिकॉज फर्स्ट पीरियड हम पूरा लेंगे. ये 15 मिनट्स पहले वाले मैं एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ ताकि बाद में जो है वो सिलेबस कंप्लीशन में हमें प्रॉब्लम ना आए. तो डेली के 15 मिनट्स जो है आई थिंक की आर मोर देन इनफ. इसमें हम इजिली जो है हरिडली हमें अपना वर्क नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट जो हमारा है रिजल्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर जो है वो आपके जो पॉइंट्स गिवन हैं, इफ दे आर नॉट नोन नॉन कोलिनियर, तो आपका जो है उन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी. और यू कैन से कि जो ये थ्री पॉइंट्स हैं अगर वो सेम लाइन पे होते हैं तो उस सेम लाइन से कई प्लेन्स जो हैं वो आपके पास कर सकते हैं. लेट अस सपोज कि मैंने जो लाइन है वो ये वाली ले ली जहाँ पे ये पेजेस मेरे मीट कर रहे हैं. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लाइन. अब इस लाइन से वन प्लेन ये है जो पास कर रहा है, अदर प्लेन मेरा ये है जो पास कर रहा है. तो ये जितने भी इसके पेजेस हैं दीज आर द इनफाइनाइट प्लेन्स विच विल पास थ्रू दिस लाइन. तो इसीलिए ये वर्ड जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हमने निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो ये ध्यान रखना है अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स दैट विल पास थ्रू दैट लाइन. Yeah, that will pass through the three collinear points. अब non collinear क्योंकि हमें given है तो three points हमें given है तो points जो है वो हम मान लेंगे उनके position vectors a, b and c. अब यहाँ ध्यान दो कि हमें first वाले में हमने लिया था कि जो vector हमें given था n that was the perpendicular given to us. तो ये था हमारा, इसी से हम ये result जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं. अगर एक आप फॉर्मूला लर्न कर लेते हो तो बाकी आप उसी से लिख सकते हो. अब इस ए पॉइंट से पास कर रही है, सेम वे में मुझे प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स और गिवन हैं जिनसे वो लाइन जो है पास कर रही है. मान लो ये ए ले लिया मैंने, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी. ये आर मैंने निकालना है, कहीं पे भी जो है ये आप ले सकते हो. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो r माइनस ए डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर जो हमें गिवन था उसके साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई थी. तो इट मींस अब मुझे ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है. तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा b माइनस ए ए बी का पोजिशन वैक्टर बनेगा, c माइनस ए सी का पोजिशन वैक्टर बनेगा. अगर मैं ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेती हूँ तो दैट विल बी अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज. आपको मैंने बताया था जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ ए एज वेल एज बी. तो सेम वे में जब मैं ए बी क्रॉस ए सी लूंगी तो ए बी क्रॉस ए सी जो है दैट विल गिव मी द रिजल्ट. वो वेक्टर जो मेरा आएगा दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ दिस ए बी एज वेल एज ए सी. तो उसको मैं यहाँ पे इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, यानी कि इसी से हम जो है इक्वेशन बना सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी बन जाएगी. दैट विल बी गिवन बाय ये आर माइनस ए डॉट एज इट इज आएगा आपका. अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ लेंगे, ए बी क्रॉस ए सी के साथ, यानी कि बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए. अगेन इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे वेक्टर आप, क्योंकि तीनों में से आप किसी को भी ए बी सी ले सकते हो, तो जो आपका यहाँ पे वेक्टर ए है वो सेम तीनों में से माइनस होगा. ये ध्यान रखना है, या ये नहीं करना यहाँ पे ए माइनस किया यहाँ पे ए माइनस बी कर दो यहाँ पे बी माइनस सी कर दो. नो दैट विल बी रॉन्ग. आप जो यहाँ पे लिया है आर के साथ सेम आपने इन दोनों बाकी दोनों में से भी माइनस करके उनका आपने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. तो दिस इज आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए. जब आपको इस तरीके से ए डॉट
बी क्रॉस सी वाली फॉर्म दे दी जाती है. दिस इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस टर्म. वैसे हम अदरवाइज इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, बट इस पे जो हमारे क्वेश्चंस थे 10th चैप्टर वाले वो डिलीटेड थे, बट यहाँ पे ये कंसेप्ट आपका है. तो ए डॉट यानी कि फर्स्ट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने विद दिस. अब इसकी हमने लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन. तो कार्टेशियन इक्वेशन, क्योंकि तीन का एक का जो है दो के उसके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ तीसरे वाले का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इट मींस आपको जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड था वो यूज करना पड़ेगा. अब यहाँ पे अगेन जो है, क्योंकि हम इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इक्वल टू समथिंग लिखना है, तो दैट इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो था, इधर भी आप लिख दोगे इक्वल टू जीरो. अब कार्टेशियन में लिखना है जब, तो पहले क्या है आर माइनस ए, आर के जो है पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप और ए एक्स वन वाई वन जेड वन की फॉर्म में आप लेते हो, तो फर्स्ट जो रो है आपकी बनेगी एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन. सेकेंड रो में बी माइनस ए, बी के जो है कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, तो यहाँ क्या बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन. सी के लिए एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, सो दिस विल बी एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. और इनका जो ये आएगा डिटर्मिनेंट उसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ये, व्हेन प्लेन इज पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. वन मार्क में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपका कि हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स. अगर कोलिनियर आ गया तो इनफाइनाइट प्लेन्स आर पॉसिबल थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, तो उसका आप ध्यान रखोगे. तो नॉन कोलिनियर के लिए वेक्टर इक्वेशन विल बी गिवन बाय आर माइनस ए, डॉट लेना है यहाँ पे, देन इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद बी माइनस ए एंड सी माइनस ए, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. अगर कार्टेशियन लिखनी है तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन. अगेन यहाँ ध्यान रखना है वन वाली टर्म्स ये सारी पीछे हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन, सेम वे में यहाँ पे ए ए ए. तो जो एक चीज आपने ले ली कि मैंने ये वाला जो है इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को माइनस करना है, वो तीनों में माइनस होगा ये ध्यान रखना है आपने, तो चेंज नहीं करना उसको, तीनों के साथ आप उसको लेके चलोगे. तो माइनस में एक्स वन वाई वन जेड वन जो को जिस पॉइंट को आप ले रहे हो आर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वही बी और सी में से भी आपका सब्ट्रैक्ट करोगे. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 5, माइनस 3, 0.5 गिवन है मुझे 2, 5, माइनस 3, देन सेकेंड पॉइंट इज माइनस 2, माइनस 3, 5, ये आर है ये एस है. So, ये आपको तीन पॉइंट्स गिवन है. चलिए अब वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है और कार्टेशियन भी. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर ही कहा है उसने, कार्टेशियन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे. ये मैं तीनों में से कोई एक पॉइंट एज ए ले सकती हूँ, जिसको मर्जी आप ले लो, दैट इज योर विश. इसको मैंने डिनोट किया x1, y1, z1,
एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। अपनी इसके लिए आप इसको लिख सकते हो वहां पे, इसके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे आपके। अब फर्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, आर माइनस ए का पोजिशन वैक्टर, तो पोजिशन वैक्टर ऑफ जो है आपके आर, लेट दैट बी डिनोटेड बाई ए, तो दैट विल बी गिवन बाई टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप। बी के पोजिशन वैक्टर्स विल बी गिवन बाई माइनस टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, एंड सी फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप। अब सिंपली हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें निकालना पड़ेगा, तो वो भी हम इधर निकाल लेते हैं। बी माइनस ए आएगा हमारा माइनस टू माइनस टू, दैट इज माइनस फोर आई कैप, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट जे कैप, माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री एट के कैप। सेम वे में सी माइनस ए, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री माइनस फाइव माइनस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री, दैट इज जीरो। सो अब हमने निकालना है बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। कैलकुलेट करो इसको और जल्दी से बताओ, बी क्विक। क्रॉस प्रोडक्ट इनका निकालना है, यानी कि द फर्स्ट रो विल बी आई जे के एंड द सेकेंड रो विल बी बी माइनस ए, माइनस फोर माइनस एट एट, एंड द थर्ड रो विल बी थ्री माइनस टू एंड जीरो। तो जिसमें आपका जीरो है उस रो या कॉलम को यूज करके फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट क्विकली। वैल्यू बताओ इसकी जल्दी से सिंप्लीफाई करके। Do it fast. हाँ जी, क्या आया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा कैलकुलेशंस में। के कैप बताइए जल्दी से, चेक द कैलकुलेशंस आ रहे हैं आपका यहाँ पे। सो दिस विल बी योर आंसर। बुक में आपका बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए की फॉर्म में गिवन है, यू कैन राइट डाउन इन दैट फॉर्म आल्सो। यहाँ पे इसकी जगह ये लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट विद सी माइनस ए लिख लो, इन दैट वे ऑल्सो यू कैन लीव। तो दैट इज अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस। अब द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। सैटरडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस। तो उससे पहले कल का दिन होगा आपके पास, तो ये इसके जितने भी रिजल्ट्स हैं ये सारे अच्छे से लर्न कर लेना, तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा, इसी की जो है, अगर कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन हमने निकालनी होती तो कार्टेशियन इक्वेशन विल बी गिवन बाय ए, यहाँ आ जाना था आपका एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। तो एक्स वन वाई वन जेड वन वगैरह है हमारे पास, तो सिंपली हमने वैल्यूज लिखनी थी, एक्स माइनस टू यहाँ पे, वाई माइनस
इन प्लस टू हो जाएगा, नहीं वाई माइनस वाई वन था, सो दिस विल बी वाई माइनस फाइव, दिस विल बी जेड प्लस थ्री. सेकेंड वाले में एक्स टू माइनस एक्स वन, सो दिस इज माइनस फोर, देन माइनस एट एंड देन एट, अगला आएगा थ्री माइनस टू एंड जीरो इक्वल टू जीरो. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. यहाँ पे है आपकी जो दैट विल बी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो वेक्टर इक्वेशन वाले को आप यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. ये आपका b माइनस a, इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद c माइनस a, सो दैट इज अप टू यू, इक्वल टू जीरो यहाँ पे अगेन आप पुट करोगे. सो दिस वॉज योर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन. आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द जो है इक्वेशन की हुई है लाइन की, तो अब हम करेंगे प्लेन. इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन जो है हमें गिवन है, प्लेन हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन. तो हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना होता है. प्लस डी इक्वल टू जीरो इफ दिस इज द गिवन इक्वेशन. तो इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है यानी कि वो क्या क्या इंटरसेप्ट बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, विद द वाई एक्सिस और विद द जेड एक्सिस. तो सिंपली क्या करना है हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस डी. अब हमें क्योंकि उसको जो है राइट हैंड साइड को इंटरसेप्ट फॉर्म में वन बनाना होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है अगर मैं एक्चुअल में देखूँ तो. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में यू नो दैट द राइट हैंड साइड इज वन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस डी. राइट हैंड साइड को वन बनाने के लिए दोनों साइड्स को माइनस डी से डिवाइड कर दो. उसके बाद हमें एक्स का कॉफिशियंट वन चाहिए, तो इट मीन्स ये ए, वाई का कॉफिशियंट वन तो ये वाला बी, जेड का कॉफिशियंट भी वन तो ये वाला सी भी हमें रिमूव करने हैं. सो दिस विल बी एक्स अपॉन ए को नीचे ले आएंगे, इसी तरीके से b को नीचे ले आओगे एंड c को नीचे ले आओगे, दिस इज इक्वल टू वन. तो ये हमारा जो है माइनस d अपॉन a, दिस इज रिप्रेजेंटिंग a, दिस इज रिप्रेजेंटिंग b, दिस इज रिप्रेजेंटिंग c. तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म. So x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1, where a jo hai that is the representing the x intercept, b